अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं, मुलाजमा है या डार्क स्पॉट्स हैं और बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करने के बाद भी आपकी स्किन बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही, और अगर आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन है और काफ़ी पुरानी पिगमेंटेशन है और आप लोग क्रीम्स यूज़ कर करके थक चुके हैं, होम रेमडीज यूज़ करके थक चुके हैं, बट आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी साफ नहीं हुई, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक क्रीम और कैप्सूल का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊँगी कि ट्रीटमेंट की बजाय आप इस क्रीम और कैप्सूल को अगर यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्द पिगमेंटेशन से साफ हो जाएगी, फ्रैकल्स और मुलाजमा से साफ हो जाएगी, आपकी स्किन पर किसी भी तरह का इशू हो और जितना भी पुराना इशू हुआ वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस क्रीम और कैप्सूल के इस्तेमाल से। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ख्वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस पर फ्रैकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, समटाइम्स आफ्टर डिलीवरी भी फेस पर पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और ये सेम सिचुएशन हमें मर्दों में भी मिलती है, उनके फेस पर भी बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या फ्रैकल्स वगैरह होते हैं, और मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ क्रीम्स यूज़ कर करके थक चुके होते हैं बट स्किन उनकी बिल्कुल भी साफ नहीं होती, अगर फ़र्क पड़ता भी है तो 19-20 का पड़ता है, लेकिन उनकी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन का शिकार रहती है। अगर स्किन पर से ये चीज़ें चली भी जाएँ तो दोबारा से आपकी स्किन पर ये चीज़ें वापस आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ख्वातीन और मर्द हजरात क्रीम्स को यूज़ कर करके थक चुके होते हैं, इसलिए वो ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट जो कि उनकी रेंज में भी नहीं होते, उनके चार्जेस भी वो पे नहीं कर सकते, इसलिए वो मायूस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लाजमा क्रीम और फिफोल्विट के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स एक मरतबा अगर आपके फेस पर से पिगमेंटेशन या फ्रैकल चले गए दोबारा कभी भी आपके फेस पर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके साथ हम आपको आपके इंटरनली प्रॉब्लम का सलूशन भी बता रहे हैं, वो है फिफोल्विट कैप्सूल की सूरत में। फ्रेंड्स, अगर आप ये कैप्सूल साथ यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपका अंदरूनी खून का मसला है, आपका खून भी साफ़ हो जाएगा, जिससे दोबारा आपके फेस पर कभी भी पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स या डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास लाजमा क्रीम। फ्रेंड्स, ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, 30 ग्राम की ये ट्यूब है, इस पर मैं एक डिटेल के साथ रिव्यू आपको दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने इसकी प्राइसिंग और कम्प्लीट डिटेल बताई है, और आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आपकी स्किन पर वर्क करती है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। बट मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्लोसिनोलोन इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोक्विनोन मौजूद है और टर्टिनोइन मौजूद है। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये क्रीम आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगी, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी, फ्रैकल्स को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को थिक बनाएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारी क्रीम्स होती है जो कि आपकी स्किन को पील करती हैं लेकिन उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। फ्रेंड्स, ये क्रीम भी आपकी आपकी पिगमेंटेशन या जो डार्क स्किन होगी उसको पील आउट करेगी, बट ये आपकी स्किन के टेक्सचर को ये थिक बनाएगी। और फ्रेंड्स, आपने इस क्रीम को मटर के दाने के बराबर अपने इफेक्टेड एरिया पर इसको आपने रात में आपने इसको अप्लाई करना है, और बाकी की डिटेल आप मेरी लाजमा क्रीम की वीडियो में देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को अप्लाई करें डेली बेसिस पर, और फ्रेंड्स आपने साथ यूज़ करने हैं ये फिफोल्विट के कैप्सूल। अगर आपको अंदरूनी मसले की वजह से फेस पर फ्रैकल्स आ रहे हैं या डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, आपकी स्किन की रौनक चली गई है, तो आप ये फिफोल्विट के कैप्सूल यूज़ करें। ये के 56 कैप्सूल्स होते हैं जो कि आयरन प्लस वाइटामिन विद फोलिक एसिड पर मुश्तमिल ये कैप्सूल्स हैं। फ्रेंड्स, आयरन आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका खून साफ होगा, आपके खून की कमी पूरी होगी, जिससे आपकी जो स्किन है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये जो वाइटामिन है फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करेंगे, आपकी स्किन बारौनक हो जाएगी, जो खुरदरी स्किन और बेरौनक स्किन है वो ख़त्म हो जाएगी, जो फोलिक एसिड की नीड है वो भी पूरी होगी। फोलिक एसिड आपकी बॉडी में होगा तो आपके फेस पर पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स वगैरह नहीं आएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह के ये कैप्सूल्स हैं, इसके इन कैप्सूल्स के अंदर आपको आयरन भी मिल रहा है, वाइटामिन भी मिल रहे हैं, हर किस्म का वाइटामिन इसके अंदर मौजूद है, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा
फोलिक एसिड आपको मिल रहा है, आपने इन कैप्सूल्स को 2 से 3 माह कंटिन्यूसली यूज़ करना है। 3 माह से ज़्यादा आप इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इस क्रीम और कैप्सूल्स को एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आपके फेस पर कभी पिगमेंटेशन थी ही नहीं। ख्वा किसी भी तरह का इशू हो आपकी स्किन के साथ, डार्क स्पॉट्स की सूरत में हो, ब्लैक पैचेस की सूरत में हो, फ्रैकल्स की सूरत में हो, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो, तो वो भी इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट आपने इसको यूज़ वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको बताया है। फिफोल्विट कैप्सूल और लाजमा क्रीम, इन दोनों पर मैंने डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई है, रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। अगर आप इन दोनों को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने एक बार मेरी उन दोनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अंदर मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो आपने गौर से सुननी है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल बताई है कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर जाके क्या क्या करेगी और आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर हो सकता है कि आपके साथ कोई और भी प्रॉब्लम हो आपकी स्किन या बॉडी के साथ, तो ये दोनों चीज़ें उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देंगी, आपको कोई और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये जो फिफोल्विट कैप्सूल है ये आपको मिलेगा 250 के अराउंड, और लाजमा क्रीम आपको 220 के अराउंड ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और डेली आपने ये एक कैप्सूल लेना है, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो बाकी की डिटेल आप मेरी दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।